अरे गाइस यार, मुझे पूरे 2 महीने हो गए डेली सुमित भैया को पूरे शहर में ढूंढता हूँ। क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मेरे सुमित भैया नौकरी ढूंढने के लिए गए थे दूसरे शहर और 2 महीने से घर पर ही नहीं आए। मेरे को लगता है सुमित भैया खो गए हैं, गायब हो गए हैं, इसलिए मैं हमेशा इन्हें ढूंढने आता हूँ पूरे लॉस एंजेलिस में कहीं कहीं पर। चलो यहाँ पर मैं फिर से आया ढूंढने के लिए। यहाँ पर उतरता हूँ और देखता हूँ सुमित भैया कहाँ पर है। अरे ये इन लोगों से पूछता हूँ, इनको पता होगा। हेलो अंकल, आपने किसी आदमी को देखा है क्या? ओए वो दारू लेके आए हो? दारू? अरे दारू नहीं लेके आए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कोई काले से आदमी को देखा है क्या यहाँ पर? ओए दारू पिला दे दारू। अरे गाइस यार, ये लोग तो पियक्कड़ है बिल्कुल। अरे अंकल बता दो, कोई काला आदमी देखा है थोड़ा मस्कुलर सा, थोड़ी सी हाइट का? अरे सुनी नहीं रहे कोई मेरी, इनसे पूछता हूँ। अरे आंटी, नशा है बहुत मेरा। अरे आंटी क्या कर रही हो यार, तुम पागल हो यार? सही में आंटी भी पागल हो रखी है। यहाँ पर इनसे पूछता हूँ, अरे अंकल आपने किसी काले, अरे ये भी आंटी है क्या? आंटी है बच्चे, पेप्सी पिलाएगा? पेप्सी, मेरे को पेप्सी पिला दे, मेरे को थोड़ी सी पेप्सी पिला दे बेटे। अरे यार ये आंटी ने भी यहाँ पर नशे कर रखे मेरे हिसाब से। अरे ये कैसा धमाका हुआ, लगता है कोई फटाया कहीं पर। अरे यार यहाँ पर तो कोई भी नहीं बता रहा कि सुमित भैया है क्या नहीं है। चलो दूसरी तरफ चल के देखता हूँ, क्या पता वहाँ पर मुझे मिल जाए सुमित भैया। सुमित भैया कहाँ पर हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है, कब से ढूंढ रहा हूँ, 2 साल 2 महीने हो गए ढूंढते ढूंढते आपको। अरे ये कौन है यहाँ पर, इनसे पूछता हूँ। अरे अंकल आपको पता है क्या मेरे सुमित भैया कहाँ पर है? अरे बेटे पेप्सी पिला दे। अरे यार ये लोग है ना सारे एक नंबर के, बता रहा हूँ इनको मारूंगा गिर के। अरे यार क्या करूँ सुमित भैया कहाँ पर है? सुमित भैया, अरे ये कौन है? अरे ये तो मुझे पहचाने लग रहे, अरे ये तो सुमित भैया है। अरे सुमित भैया तुम आखिरकार मिल गए मुझे, सुमित भैया मेरे, सुमित भैया। कौन है, कौन है, अरे कौन है तू? अरे सुमित मुझे भूल गए, मैं सिंचैन हूँ। सिंचैन तू? हाँ सुमित भैया मैं। अरे सुमित भैया तुम यहाँ पर कैसे सो रहे हो, ये क्या है तुम्हारी, कैसी हालत हो गई है? सिंचैन मेरे को कल यहाँ पर फेंक दिया गाड़ी में से। सुमित भैया गाड़ी में से मतलब? अरे वो आदमी जो मेरे को लेके गया था, बोला नौकरी दुआएगा, उसने मेरे को लूट खाया सिंचैन, उसने मेरे को बर्बाद कर दिया और भाई साहब मेरे को यहाँ उठा के फेंक गया वो। अरे सुमित भैया तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। रुको सुमित भैया मैं गाड़ी लेके आता हूँ जल्दी से। अरे सिंचैन मुझे भूख लग रही बहुत तेज, जल्दी मेरे को खाना खिला दे वरना मैं मर जाऊंगा। सिंचैन सुमित भैया ऐसे मत करो यार, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। रुको एक सेकंड। गाइस यार ये तो सुमित भैया की बहुत ही गंदी हालत कर दी किसी ने, सही में मेरे को भेजना ही नहीं था सुमित भैया को अभी। चलो बैठो सुमित भैया गाड़ी के अंदर जल्दी से। हाँ सिंचैन। अरे ये गाड़ी किसकी है, इतनी महंगी गाड़ी? अरे सुमित भैया सबसे पहले तुम्हें मैं कुछ खिलाता हूँ, बाद में समझाता हूँ। अरे यार सुमित भैया की क्या कंडीशन हो गई है, बिल्कुल कुत्ता वाली यार, कुत्ते की भी इतनी कंडीशन नहीं होती, कुत्ता भी अपना पेट भर लेता है कहीं ना कहीं से, पर सुमित भैया की तो कुत्ते से भी बुरी हालत हो रखी है। जल्दी लेके चलता हूँ सुमित भैया को। सुमित भैया के साथ से बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, दया आ रही मुझे सुमित भैया के ऊपर। सुमित भैया टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज खिलाऊंगा। सिंचैन जल्दी चल, मेरे को कुछ भी खिला दे भाई। चलो सुमित भैया मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट चीज खिलाता हूँ। लो सुमित भैया कुलदीप चाट भंडार वाला। ओए कुलदीप तू? अरे सुमित कित खो गया था यार, 2 महीने से गोलगप्पे खाने नहीं आया तू तो। अरे कुलदीप यार क्या ही बताऊं, बहुत गंदी हालत हो गई थी यार। कुलदीप मस्त मस्त लग रहे गोलगप्पे। अरे हाँ तो खा ले यार, क्या प्रॉब्लम है तेरे लिए है दुकान? अरे जितना पेट भर के खाना है सुमित भैया को खिला दो गोलगप्पे। हाँ भाई साहब यार मेरे को पेट भर के गोलगप्पे खिला दे। चलो गाइस यार मैंने खा लिया गोलगप्पे, शुक्रिया यार तेरा। अरे सुमित यार डेली आया कर पहले की तरह, पहले तो डेली आता था गोलगप्पे खाने। अरे सिंचैन यार शुक्रिया यार तेरा, अब मेरे को बता कम से कम पेट तो भर गया मेरे को समझ में आ रहा है कुछ। हाँ ये बता सबसे पहले ये गाड़ी किसकी है यार? अरे सुमित भैया मेरी गाड़ी है। है तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? अरे सुमित भैया बताऊंगा मैं सबको, चलो अब जल्दी से। कहाँ चलना है? अरे सुमित भैया कहाँ पर? अपने शोरूम के अंदर। कौन से शोरूम? अरे सुमित भैया मैं तुम्हें बताता हूँ, सीधे चलते रहो यहाँ से, राइट लो राइट। अरे सुमित भैया सामने देखो यार, क्या पागल आदमी हो तुम भी, सही गाड़ी कभी चलानी सीखोगे या नहीं सीखोगे? हाँ सीख लूंगा ना मैं। हाँ सिंचैन यार उसने मेरे साथ बहुत बड़ा वाला स्कैम किया, बोला नौकरी दिलाऊंगा भाई, वहां जाके मुझे लूट लिया और बर्बाद कर दिया मुझे। अरे सुमित भैया क्या कर रहे हो? कपड़े लूंगा ना यार सिंचैन। हाँ सिंचैन मैं भी भूल गया था। चलो गाइस यार कपड़े लेता हूँ जाके अच्छे से। कौन से लू सिंचैन? अरे सुमित भैया जो जितने महंगे लेने हो तुम्हें, कितने महंगे ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सूट ले लू फिर। अरे सुमित भैया तुम्हारे पैसे मेरे पैसे एक ही तो बात है।
अरे सर शुक्रिया, आपने हमारी दुकान का सबसे महंगा सूट खरीदा है, फिर से जरूर आना हमारी दुकान के ऊपर, और भी अच्छे सूट्स आएंगे हमारी दुकान के ऊपर। हाँ मैडम जी जरूर आऊंगा। अरे सुन भैया, अब लग रहे हो ना बिल्कुल सुमित भैया मेरे जेंटलमैन लग रहे हो, जेंटलमैन मैल नहीं मैन होता है वो। हाँ वही सेम सेम गाइस, यार ये भी बेइज्जती कर रहा है मेरी। अब बैठ जल्दी इस गाड़ी के अंदर, गोलगप्पे खा लिए, पेट हो चुका है फुल, यहाँ पर अपने कपड़े भी पहन लिए नए, अब चलते हैं भाई साहब, मजा आ गया सिंचन सैमी। हाँ सुमित भैया सैमी क्या कुत्ते वाली हालत हो रखी थी तुम्हारी। अब यार क्या बताऊँ तेरे को, क्या बुरे दिन लिखे थे मेरी किस्मत के अंदर, पर कोई बात नहीं, अब वो बुरे दिन जा चुके क्योंकि तूने मुझे ढूंढ लिया वापस और मैं वापस आ चुका हूँ। हाँ सुमित भैया मेरे वापस आ गए। सुमित भैया के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। हाँ गाइस यार क्या कर रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलो अब जल्दी से सुमित भैया चलते हैं। हाँ अब कहाँ जाना ये तो बता। अरे सुमित भैया सीधे चलते रहो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज कैसा सरप्राइज? चलो तो सुमित भैया मजा आएगा तुम्हें भी। हाँ तो सुमित भैया तुम मुझसे ये पूछ रहे थे ना कि ये गाड़ी किसकी है। हाँ तूने बता दी अपनी गाड़ी है, फिर तेरे पास आई कहाँ से? ये देखो सुमित भैया ये शोरूम देख रहे हो। किसका ये शोरूम? अरे सुमित भैया अपना शोरूम है अपना। क्या बात कर रहा है? हाँ सुमित भैया ये अपना ही शोरूम है। अब तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे सुमित भैया जो पैसे तुम नहीं देखे गए थे कि मेरे को? हाँ देखे गया था, उनसे मैंने एक गाड़ी खरीदी और उनसे फिर मैंने उसको बेच दिया, फिर उससे मैंने एक और गाड़ी खरीदी, ऐसे करते करते मैंने इतना बड़ा वाला शोरूम बना लिया। ओ बेटे सिंचन क्या लग्जरी शोरूम बनाया भाई तूने तो। ओए ये देखो भाई कितनी महंगी महंगी गाड़ियां यहाँ पर, बुकाटी लैम्बोर्गिनी पोर्शे। अब भाई सिंचन ये तो एक से एक मस्त गाड़ी है सारी की सारी, मजा आ गया देख के। अरे सिमरे है ना कमाल की सारी। अरे सैमी बहुत ही ज्यादा मस्त मस्त गाड़ी है। अरे सिमरे जो भी चलानी हो ले लो चाहे तुम। अबे चलाऊंगा बाद में, पहले अपना शोरूम तो देखने दे मेरे को। ये भाई साहब ये कौन सा रूम है? अरे सिमदर रूम नहीं है, ये अपना ऑफिस है। ओ भाई साहब सुमित भाई ये तुम्हारी सीट है, यहाँ पर बैठना तुम कल से। गाइस यार देख रहे हो सिंचन ने तो जिंदगी बदल दी यार, क्या मस्त वाला शोरूम बनाया सिंचन तूने सैमी, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। अरे सुमित भाई अब चलोगे कहीं पर? हाँ एक जगह तो मेरे को जाना है सिंचन। कौन सी जगह? अब तू बैठ, सबसे पहले तो मैं चलाऊंगा अपनी शोरूम की सबसे महंगी गाड़ी। हाँ ले लो कोई बात ही नहीं है, एकदम खतरनाक तरीके से। गाइस यार ये देख रहे हो यार हमारे शोरूम की कितनी महंगी गाड़ी है, बुकाटी, और इसकी कीमत लगभग 50 करोड़। अरे नहीं यार ये वाली और भी महंगी है। अच्छा ये वाला तो लिमिटेड एडिशन, इसकी कितनी कीमत है सिंचन, कितने में खरीदी तूने? वैसे तो इसकी कीमत करीब 120 करोड़ है, तुम्हारे भाई ने तरकीब लगा के 80 करोड़ में खरीदी और इसको महंगे में बेचेंगे। हाँ कोई बात नहीं सिंचन, अब तो तेरा भाई भी आ गया है ना, अब भाई बिल्कुल मस्त तरीके से अपना बिजनेस चलाएंगे अपन। हाँ सुमित भैया मजा आएगा, चलो अब जल्दी से कहाँ जा रहे हैं ये तो बता दो। पहुंच के बताऊंगा कि आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। अरे सुमित भैया क्या तेज भगा रहे हो तुम तो, गाड़ी मजा आ रहा है सैमी। अबे सुनचैन यार क्या कंट्रोलिंग है यार बुकाटी की, तो देख रहे हो भाई साहब मैंने आज से पहले कभी बुकाटी नहीं चलाई। ये देखो भाई हॉर्न भी देखो कितना तेल है भाई गाड़ी का, आगे से उड़ा दूंगा, 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही है ये। सुमित भैया सुपर कार क्यों नहीं दौड़ेगी? ओ भाई साहब देख रहे हो आधे से ज्यादा लो सेंटोस खा के आ गया मैं तो। सुमित भैया खा के आ गया मतलब? अरे मतलब भगा के आ गया ना। हाँ ठीक है अब कहाँ चल रही है बताओ? अबे मैं जा रहा हूँ असल में उस बंदे के पास जिसने भाई साहब मेरे साथ स्कैम किया था भाई, नौकरी के नाम पे मेरे को ठग लिया था। है सुमित भैया वो? हाँ वही। रुक जा एक सेकंड, कहाँ पर उसका घर? यहीं पर ही था यार उसका घर, यहीं पर रहता था अपना चोल में। ये रहा यहीं पर है। एक सेकंड ये लड़की कौन है, लगता है इसकी वाइफ होगी, इससे पूछता हूँ जाके। है यहाँ पर वो टिल्लू रहता था, कहाँ चला गया? अरे कौन है? अरे वो टिल्लू। अरे कौन टिल्लू? अबे उसका निकनेम है टिल्लू। अरे क्या नाम था उसका? कोबरा सिंह रहता था यहाँ पर। अरे अच्छा वो तो चला गया यहाँ से, उसने मेरे को बेच दिया ये घर। क्या तेरे को बेच दिया? कब बेका ये घर? कुछ 1.5 महीने पहले बेका था मेरे को ये वाला घर, जब से मैं हूँ यहाँ की मालकिन। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं पता वो कहाँ रहता है। नहीं मेरे को नहीं पता वो कहाँ पर रहता है, अब जाओगे यहाँ से? वैसे जो तुम ये कर्म कर रही हो ना गलत कर रही हो, मैं रैपटा बजाऊंगा तुम्हारे। अरे कौन से कर्म, जाओ यहाँ से, पुलिस बुला लूंगी, वरना मैं आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी नहीं हुई चलेगी। अब सिंचन तेरे को गाना गाने को नहीं कहा था उसके साथ? अरे समझे वो भी गाना गा रही थी, मैंने उसकी ट्यून पूरी करी है ना बस, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी भी, पार्टी नहीं हुई चलेगी, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, वीडू बाड़ी ऑल नाइट। चुप रहना सिंचन। हाँ ठीक है सुमित भाई, अब कहाँ जा रहे हैं? सिंचन अभी तू पूछ रहा था कहाँ जा रहे हैं, अब तू मुझे लेके जा रहा है, अब तू बता कहाँ लेके जा रहा है मेरे को तू? अरे सुमित भैया घर नहीं चलोगे अब? घर यहाँ पर कौन सा घर अपना? अरे सुमित भैया नया घर खरीदा ये देखो। ओए
ये अपना घर है? हाँ समझ गया, क्यों क्या हो गया, अच्छा नहीं है क्या? अरे बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई, सिंचन कितना बड़ा घर है यार ये। अरे समझ गया, ये तो कुछ भी नहीं है, और खरीद लेंगे, पैसों की कमी थोड़ी है। गाइस यार ये देखो, सिंचन ने कितना बड़ा घर खरीदा है भाई, सेमी बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है यार। ये देखो भाई इंटीरियर देख रहे हो घर का, भाई यार मजा आ गया सिंचन सेमी। अरे समझ गया, देखो तभी कहाँ देखा है तुमने पूरा घर। चलो गाइस यार देखते हैं ये कौन सा रूम है। अरे समझ गया, यहाँ पर कपड़े वपड़े हैं अपने अपने मस्त मस्त। ओ भाई साहब कितना बड़ा रूम है। ये मेरा बेडरूम है सिंचन। अरे से मेरे बया यार, और भी बेडरूम है, तुमने तो पहले ही बेडरूम देखती बोला कि मेरा बेडरूम, कोई और बेडरूम भी तो देख लो। हाँ देखूंगा देखूंगा। भाई यहाँ पर ये क्या है? अरे समझा कुछ नहीं, खेलने के लिए टेबल टेनिस। ओ भाई सब देख रहे हो, यहाँ पर अपने घर के अंदर टेबल टेनिस भी यार खेलने के लिए। अरे से मेरे बया ये देखो कितने मस्त मस्त स्टैचू लगवा रखे मैंने। अबे सिंचन इतना बड़ा टीवी। अरे से मेरे बया गेम खेलने के लिए लगा रखा है। अबे इसके अंदर ही कौन सा गेम चल रहा है, कितना खराब सा है। अरे से मेरे बया यार मेरे को ये वाली गेम अच्छी लगती है इसलिए खेलता हूँ। भाई साहब यहाँ पर देख रहे हो सोफा सेट लगा रखा है मस्त वाला सिंचन ने तो। हाँ समित भैया और देख लो, और भी मस्त मस्त चीजें हैं यहाँ पर। गाइस यार देख रहे हो यार कितना मस्त वाला किचन है हमारा, एक नंबर का, बिल्कुल टॉप क्लास। ओ भाई सब सिंचन मस्त है यार घर तो सही। अरे समित भैया यहाँ पर नीचे गैराज भी अपनी गाड़ी वाड़ी सही कर सकते हैं। अबे सिंचन कमाल की चीज है यार ये तो बिल्कुल। अरे समित भैया बाहर तो चलो, कहाँ पर? अरे समित भैया बाहर की साइड तो देखो कितना बड़ा है घर अपना। और अच्छा और है क्या भी? अरे हाँ समित भैया तुम भी क्या देखा नहीं था क्या? ओए ये क्या है? अरे समित भैया कुछ नहीं, यहाँ पर अपना बैट बॉल वेट बॉल खेलेंगे कभी कभी। अबे भाई सब कमाल है, ये स्विमिंग पूल भी है क्या? यहाँ पर दो दो स्विमिंग पूल है। अरे समित भैया ये तो कुछ नहीं, अपना बार भी है खुद का। गाइस यार ये देख रहे हो बार भी है। अबे ये क्या है, पेंगुइन सा? समित भैया पेंगुइन नहीं है वो। ओए एक सेकंड, अबे ये तो वही आदमी है। ओ तू टिल्लू। अरे सुमित तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा? भूतनी के तेरी वजह से तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ था। अरे सुमित क्यों थप्पड़ मारा तुमने उसको, वो मेरा दोस्त है। क्या तेरा दोस्त है ये? हाँ सुमित भैया ये मेरा दोस्त है, इसकी वजह से मैं अमीर बना। क्या बात कर रहा है, ये तो वही आदमी जिसने मेरे साथ स्कैम किया था। क्या समित भैया इसने तुम्हारे साथ स्कैम किया था क्या? हाँ इसकी वजह से तो यार मैं रोड पे आ गया था, इसने तो मेरे को वादा किया था कि मेरे को नौकरी दिलवाएगा। अरे समित भैया ऐसा मत बोलो यार, वो कितना अच्छा आदमी, उसने मेरे को करोड़पति बनवाया था। ऐसा नहीं हो सकता सिंचन, वो तेरे को पक्का धोखा दे रहा होगा, क्या पता तेरे साथ स्कैम करना चाह रहा हो जैसे उसने मेरे साथ किया। नहीं समित भैया यार उसकी वजह से इतने अमीर बने हम लोग। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गाइस यार अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट टू लेके आऊं, जिसके अंदर हमें पता लगेगा आखिर यार स्टिल्लू ने क्या स्कैम किया है, सिंचन को इतना अमीर बना दिया है और यार मेरे को इतना गरीब बना दिया था। अगर आप लोग चाहते हो इस वीडियो का मैं पार्ट टू लेके आऊं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना पार्ट टू। तो गाइस यार हम मिलेंगे इसको नई वीडियो नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। हां समित भैया स्कैम हो जाएगा वरना बहुत बड़ा वाला।